हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा हम लोग एक बार फिर से अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 products in 10 minutes, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कर लिया? चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, साइनाइड है, CH3CN, ठीक है। इसका H+H2O हाइड्रोलिसिस करवाना है। देखो ये बॉन्ड तोड़ दो भाई, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वाटर तो आप जानते हो कैसे टूटता है, H+ into OH माइनस में। तो देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन को दोगे OH, नाइट्रोजन को H, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। OH, H, OH और H, इसके तीनों बॉन्ड तोड़ दिए। OHH, या वैसे भी मैंने बोला था साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड। तो बेटा OH और H आमने सामने, वाटर निकाल दो तो बनेगा क्या, CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ ए जो बना वो क्या बना, CH3COOH, क्या एसिड बन रहा है यहां पर, CH3COOH, ठीक है। आगे देखो बेटा, एसिड की रिएक्शन AgOH से करवानी है। मैंने बताया था बहुत सिंपल है, CH3 R की जगह पे क्या है, CH3, और यहां Vr2 हीट लिया है बेटा, तो ब्रोमीन लगा दोगे। बताओ क्या मेथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुंसडिकर रिएक्शन। क्या बोलते हो, हुंसडिकर रिएक्शन। आओ देखो भैया, इस एसिड की रिएक्शन NaOHCO से करवानी है। बताओ क्या करें, क्या यहां से CO2 गैस गायब कर दे, CO2 निकाल दो, H यहां आ जाएगा। बताओ बेटा क्या मेथेन बन गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आओ देखो भैया, इस रिएक्शन का नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां से CO2 निकल गया। आगे देखो, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। भाई एसिड की रिएक्शन मुझे करानी है NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब क्या कि ये कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्वे, ठीक है। आओ देखो भैया करना क्या है, देखो COOH हटा देना होता है, जो लिखा है उसे लिख लो, CH3, फिर लगाओ सिंगल बॉन्ड, उसी को दोबारा लिख लो। यही तो बेटा फ्री रेडिकल, याद है ना, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। चलो आगे देखो भैया, इस साइनाइड का हम लोग BH3THF, देखो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, H2Ni, H2Nickel, LiAlH4, SnHCl, ZnHCl या फिर SnCl2HCl। पहले हम इन चार की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4। ये देखो क्या चारों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, चारों क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। करना क्या होगा भाई, यहां पे अब इसको हटा दे HOH को, चलो इसको मैंने हटा दिया, ठीक। अब देखो ये है सारे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये चारों रिएक्शन में क्या होगी, सेम रिएक्शन। तो देखो बेटा यहां पे एक बॉन्ड तोड़ो, क्या करोगे, H और H, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो, H और H, ठीक। सिग्मा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, रिड्यूस नहीं होगा, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिए। तो बताओ D क्या बना, CH3CH2NH2, भाई रिडक्शन करवा दिया, HH दे करके पाई बॉन्ड तोड़ दिए, तो CH3CH2NH2। सेम चीज H2 निकल से रिएक्शन, अगर साइनाइड की रिएक्शन चाहे BH3THF से हो तब भी प्राइमरी एमीन बनता है, H2 निकल से होगी तब भी यही बनेगा, CH3CH2NH2। फर्दर अगर बेटा LiAlH4 से होगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2NH2। आगे देखो, अगर हम लोग SnHCl या फिर ZnHCl से करवाते हैं तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2NH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो भैया, यहां जो F बना, F उसकी रिएक्शन मुझे एसिड क्लोराइड से करवानी है। क्या ये रिएक्शन एसाइलेशन है, कौन सी रिएक्शन है, एसाइलेशन। करना क्या है, यहां का Cl और यहां का एक H, HCl बाहर कर दिया, तो बना क्या बेटा, देखो कुछ ये बनेगा, CH3CH2, ध्यान देना CH3CH2, यहां से H जा चुका है तो बचा क्या, NH, बिल्कुल सही, यहां से H जा चुका है तो क्या बचा बेटा, NH, फिर आगे COCH3, COCH3, ठीक है। तो बताओ यहां पर CONH है, क्या एमाइड ग्रुप है, क्या एमाइड है, तो बताओ N पर क्या C2H5 लगा हुआ है बेटा, C2H5, तो इसको लिख लो N एथाइल, आगे मेथ एथ एथेनामाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, N एथाइल एथेनामाइड। आओ देखो भैया,
आगे इसी साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 plus HCl से। बेटा इन दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ SnHCl ZnHCl है, यहाँ क्या है SnCl2 plus HCl है, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या ये स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में इसके एक पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे HS दे करके, तो बताओ बनेगा क्या CH3CH डबल बॉन्ड NH, कुछ ही आएगा। देखो एक बॉन्ड तोड़ दिया CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब करना क्या है भैया, स्टीम के साथ रिएक्शन करानी है, स्टीम मतलब वाफ, ठीक है। उसमें वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर कैसे टूटेगा बेटा, H प्लस इंटू ओ एच माइनस में, करना क्या है ये बॉन्ड तोड़ दो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसको ओ एच, इसको एच, इसको ओ एच, इसको सॉरी इसको एच और इसको ओ एच, इसको H और इसको OH, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया। अब बताओ एक कार्बन पर दो H सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, यहां से वाटर निकाल दो OH और H, तो बना क्या CH3CHO, तो बनेगा क्या CH3CHO, बताओ क्या एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आओ देखो भैया आगे, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है बेटा। देखो फुल हाइड्रोलिसिस में क्या एसिड बना, इसके तीनों बॉन्ड तोड़ दिए तो एसिड बन गया, लेकिन जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, इसका मतलब इसके सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो बताओ हाइड्रोलिसिस करवाना है, ये बॉन्ड तोड़ो बेटा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो H, इसको H, इसका एक पाई बॉन्ड और तोड़ दो OH और H, एक सिग्मा बॉन्ड अभी बचा हुआ है, ठीक। बताओ OH OH आमने सामने, तो वाटर निकाल दो, बनेगा क्या CH3CONH2, क्या यहां एमाइड बनेगा CH3CONH2, क्या एमाइड हो गया, ठीक है। अब बताओ भैया Vr2KOH, क्या हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बेटा, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, करना क्या होता है, तरीका बताया था, ट्रिक CO गायब कर दो आंसर, तो यहां पर क्या बना CH3NH2, CO गायब कर दिया CH3NH2 बन गया। आगे देखो क्लोरोफॉर्म KOH प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, जब क्लोरोफॉर्म KOH से, बताओ बेटा ये कौन सी, क्या कार्बल एमीन टेस्ट याद आ रहा है, ठीक है। करना क्या होता है CH3 को ऐसे रखो और NH2 को किसमें कन्वर्ट कर दो NC में, क्या मेथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजडी में ये गैस निकली थी मेथाइल आइसोसाइनाइड, फिर क्या करना होता है बेटा, यहां जो NC है CN नहीं है, क्या है NC, यहां थोड़ी सी अलग रिएक्शन होती है इसलिए मैंने दे दिया LiAlH4, क्या यहां जब आइसोसाइनाइड की रिएक्शन LiAlH4 से कराते हो, क्या 2 डिग्री एमीन बनता है, तो यहां बनेगा CH3NH एंड CH3, क्या बन जाएगा बेटा 2 डिग्री एमीन, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, ए बी सारी चीजें बना ली, कोई प्रोडक्ट छूटा तो नहीं है, ठीक है, आप इसे एक बार कॉपी कर लो, ठीक है बेटा, आपने कॉपी कर लिया, एक लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से हमेशा याद रखो एसिड, एसिड्स की AgOH Vr2 से हुंसडीकर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड बन गया, फिर यहाँ पर NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस जिसको आप बोलते हो, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। NaOH यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बाकी इन चारों में रिडक्शन हो जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, स्टीफन में एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर फर्दर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया तो एमाइड बना, फिर हाफ मैन ब्रोमामाइड से प्राइमरी एमीन बना, ये रिएक्शन है कार्बेलामीन रिएक्शन, फिर LiAlH4 से, ध्यान रखना आइसोसाइनाइड की रिएक्शन जब LiAlH4 से होती है तो क्या बनता है 2 डिग्री एमीन। ओके बेटा, तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।